जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अतर और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। हम यहाँ चाइना में आज काफ़ी दिनों के बाद मस्जिद में आए। होंगजो मस्जिद है यहाँ पे, होंगजो में ही, और बड़ी शानदार मस्जिद है। तो हमने सोचा चले इसी मौके से फ़ायदा उठा, आपको भी दिखाएं कि चाइना में हम जब पहुँचे हैं तो होंगजो में कुछ दोस्त हमारे आए थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने हमें ये मस्जिद लेके आए हैं ताकि हम यहाँ पे रमज़ान चल रहे हैं तो रोज़ा भी खोलें और नमाज भी अदा करें। सो काफ़ी दिन हो गए थे चाइना में, हम अब ज़िम्मेदारियों पे आए थे कुछ, और उसके बाद अब ये कुछ दोस्त मिले हैं जिन्होंने ये खूबसूरत मौका दिया और यहाँ पहुँचे हम। अंदर से भी देखते हैं कि ये कैसी है। एंट्रेंस इसकी बहुत शांत है। तो बहुत कमाल की मस्जिद है, और मस्जिद में ये गैलरी भी बनी हुई है जिसके बारे में, मस्जिद के बारे में और इमाम के बारे में या इधर के सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो ये डोनेशंस देते हैं सब मुस्लिम्स, जो कपड़े होते हैं, बाकी चीज होते हैं, जो चाइना के पोर विलेजेस हैं ना, तिब्बत साइड्स, ये उनकी जो है ना, और बहुत से बुजुर्गों से ये मिलते हैं, और अपना जो है ना वेस्ट का है, वेस्ट ऑफ चाइना का है ना वो ट्रेडिशन, उनके खाने का, उनकी जो है ना, उनके नूडल्स, वो हैंडफुल नूडल्स बनाते हैं, तो ये सब उन्होंने जो है ना रखा हुआ है पूरा जो है, और ये वॉलंटियरिंग करते हैं, मतलब सफाई वगैरह बाकी चीज़ें एवरीथिंग, यहाँ पूरा जो है सिस्टमैटिक अलहमदिल्ला सब कुछ सिस्टमैटिक लगा हुआ है। की तरह भी पढ़ के हम वापस जाएंगे। फिर हम जाते हुए कुछ मंजर मस्जिद के हिस्से भी देखते जाते हैं। हांजो यूनिवर्सिटी में हम ठहरे हुए हैं, और हांजो में एशियन गेम्स भी हैं, और हम यहाँ पे मस्जिद में, हाँ जो मस्जिद में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त मिले हैं कश्मीर से, एक इनका ताल्लुक़ है, एक का मुल्तान से ताल्लुक़ है, और मेरे साथ मोहम्मद रमज़ान भी मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त, और जब से चाइना आए हैं तो पहली दफ़ा ही मस्जिद हमें ये दोस्त लेके आए, डेफिनेटली इनको भी इसका सवाब पहुँचेगा और हमें भी एक रूहानी ताज़गी जो हासिल हुई है वो कमाल है। और मस्जिद देख के दिल खुश हो गया, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत बड़ी जामे मस्जिद है यहाँ पे ये, और उम्मीद करते हैं आपने भी देखी। मैंने कहा ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ।
और यहाँ के जो इमाम हैं वहाँ जो यूनिवर्सिटी में वॉलंटियर भी वॉलंटियर अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं मुस्लिम एथलीट्स के लिए। सो भाई कमाल है, चाइना की हर बात कमाल है। वो इस लिहाज से एक हदीस याद आ रही है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो चाइना, तो चीन तो हम पहुंच गए और यहाँ पर आके नए नए तजर्बात और नई नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही और ज़बरदस्त।